हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी एंड बी कॉस टू थीटा प्लस ए साइन टू थीटा इज इक्वल टू ए बी ए बाई बी नन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इसमें हम की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी कॉस टू थीटा प्लस ए साइन टू थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा बी कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ए इंटू साइन टू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एलसीएम आ रहा है और ये हो जाएगा बी माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो ए अपॉन बी है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये आएगा बी माइनस और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा ही, है ना, और एक बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टू, यहाँ पर भी ए अपॉन बी पुट करेंगे तो ये आएगा टू ए स्क्वायर अपॉन बी और अपॉन यहाँ पर वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखें, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास देखो रिजल्ट में फर्दर, ये बी माइनस, ये सॉल्व होने के बाद प्लस आ जाएगा बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर, तो है ना, तो ये कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग सिर्फ बी बचेगा यहाँ पर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।